चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन, वो भी भरवा स्टफ्ड ब्रिंजल। इसके लिए मैंने ये 4 चम्मच मोटी सौंफ ली है और ये 2 चम्मच खड़ा धनिया है, ये 1 चम्मच खड़ा जीरा है और ये है कलौंजी 1/2 चम्मच, मगरैल भी बोलते हैं, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें लिया है मेथी का दाना और साथ में नमक तो है ही है। ये देखिए, यही 1/2 किलो मेरे बैंगन है जिसका मैं बनाने जा रही हूँ। ये 2 प्याज मैंने मध्यम आकार के लिए और 2 ही लहसुन लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये अदरक थोड़ी सी, इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर, साथ में डालूंगी थोड़ी सी खटाई और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी मिर्चा और एज यूजुअल मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई, अब मैं डाल रही हूँ इसमें सभी सामग्री। इसको अब हल्की आंच पे, मध्यम आंच पे मुझे भूनना है। और दोस्तों, इसे चलाते हुए मुझे 4 मिनट हो गया, मैं बराबर चला रही हूँ और ये भुन गया है। खुशबू से सारा घर महक रहा है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मसाला जो मैंने भूना था ये ठंडा हो गया, अब इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक पाउडर बना लिया है, इसको खाली कर लेते हैं इस मसाले को। और इसी जार में अब हम ये मसाला और साथ में ये टमाटर, इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा पानी भी मिला लीजिए। तो ये देखिए फाइन पेस्ट बन गया है इसका। अब ये कढ़ाई मैं ऑन कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। ये तेल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इसका 1/2 मसाला इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया है और मैं नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए इसको रख लूंगी मसाला। अब मैं इसमें मिलाऊंगी हल्दी 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मिर्चा मिलाऊंगी, साथ में मिलाऊंगी मैं नमक, नमक थोड़ा तेज रखना है। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका मसाला तेज होता है, खट्टा होता है, तो मैं थोड़ी सी खटाई भी मिला रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इस मसाले को बहुत ब्राउन नहीं करना है या भून करके एकदम, बस इसका पानी मर जाए, ये थोड़ा थिक हो जाए जिससे भरने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, मसाला अच्छा सूख गया है पानी इसका और थोड़ा भुन भी गया है, तो अब मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने इसमें अंदर ऐसे इसमें एक वो लगाई चीरा और इसको अंदर ढंग से देख लीजिए कि बैगन एकदम साफ सुथरा है, कहीं कीड़ा ईड़ा तो नहीं है। और इसके बाद ये ठंडा हो गया मसाला, इसको आप आराम से भर लीजिए हाथ से दबा दबा के। ये देखिए, ये भर गया है बैगन। तो ये सारे बैगन मैंने एक एक करके भर लिए, आप देख लीजिए। और कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। आइए कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। दोस्तों, तेल गर्म हो गया, मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ इसमें और इसके बाद ये जो मैंने बैगन भर के रखे हैं इनको एक एक करके इसमें लगा। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है और डाल करके इसको ढक देना है। आज थोड़ा मध्यम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको धीमी धीमी आंच पे मैंने करीब 5-7 मिनट पकाया। ये देखिए, अच्छे से ये गल गए हैं, अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही अच्छे बैगन बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको अगर आपको जरूरत पड़े, आपको लगे अभी नहीं पके, तो आप थोड़ा पानी और मिला करके फिर ढक दीजिएगा और इस तरह से पका लीजिएगा। ये बैगन बहुत अच्छे थे, ये एक ही बार में पक गए हैं। तो आशा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ये बैगन की रेसिपी आप जरूर बनाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जब आप ये खाएंगे तो मुझे आशा है कि आप मुझे भूल नहीं पाएंगे, आप जरूर याद करेंगे। फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी एक नई रेसिपी के साथ में। बाय।